वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेविंग्स ऑफ कुकिंग। तो मैं लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए एगलेस ब्राउनी सिज़र विद चॉकलेट सॉस। सो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। ब्राउनी सिज़लर बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 200 ग्राम डार्क चॉकलेट, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और फिर इसे ट्रांसफ़र किया एक बड़े से बोल में। फिर मैंने एक पैन में डाला है बटर 3/4 कप और इसको मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। इसे मेल्ट करने के बाद इसको डायरेक्टली डाल देंगे चॉप चॉकलेट में और इसे मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ हमारी चॉकलेट भी अच्छे से मिक्स एंड मेल्ट हो गई है। फिर अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी और इसे अच्छे से स्टर करेंगे ताकि शुगर भी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और फिर इसे 2 मिनट्स के लिए अच्छे से बीट करेंगे। इसके बाद मैंने अब इसमें डाला है 1/4 कप कर्ड एंड 1 टीस्पून वनीला एसेंस। फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सा बैटर बन जाए और एक स्मूथ कंसिस्टेंसी आ जाए। अब एक छन्नी लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा, 3/4 कप कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड फिर इसे अच्छे से छान कर कट एंड फोल्ड मेथड से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर थोड़ी देर में इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे बेकिंग ट्रे में, जिसमें मैंने बेकिंग पेपर लगाया है। आप इसको बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 30 मिनट्स। आफ्टर 30 मिनट्स मैंने इसे अपने माइक्रोवेव से निकाल कर चेक करा है विद द हेल्प ऑफ स्क्यूअर। हम स्क्यूअर को बीच में प्रिक करेंगे ब्राउनी के और अगर स्क्यूअर क्लीन निकलता है तो इसका मतलब हमारी ब्राउनी पक चुकी है। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में डालेंगे 1 कप चीनी, 1/2 कप कोको पाउडर, 1/4 कप मैदा और इन सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लेंगे 1/2 कप मिल्क एंड 1/4 कप बटर और इसे बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे मिल्क में और उसे रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और इसको अच्छे से स्टर करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे मिल्क चॉकलेट और उसको भी अच्छे से स्टर करते रहेंगे जब तक चॉकलेट मेल्ट ना हो जाए। फिर इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि सॉस थिक हो जाए। रेडी हमारा चॉकलेट सॉस भी। अब इसके बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे सिज़लर प्लेट में। तो सिज़लर प्लेट को हम सबसे पहले हाई फ्लेम पे बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे और इसे रखेंगे फिर इसकी वुडन प्लेट के ऊपर और इस पे ऐड करेंगे अपनी ब्राउनी का पीस और ऊपर से ऐड करेंगे 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम और पोर करेंगे अपना चॉकलेट सॉस। तो तैयार है हमारी ब्राउनी सिज़लर। आप भी अपनी फैमिली के साथ ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और उन्हें खिलाएं। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।